ये है मारुति की नई XL6 और इस गाड़ी को देखकर मुझे याद आ गई शाहरुख खान की मूवी रब ने बना दी जोड़ी की। और इसलिए याद आई वो मूवी क्योंकि जैसे उस पिक्चर में जब शाहरुख खान चश्मे लगा लेते हैं, ऐनक पहन लेते हैं और मूछें लगा लेते हैं और बन जाते हैं सुरेंद्र और फिर वो चेंज कर लेते हैं और बन जाते हैं राज, तो लोग पहचान नहीं पाते। उसी तरह इस गाड़ी को जब आप साइड बाय साइड खड़ा करेंगे अर्टिगा के साथ तो शायद आप भी पहचान ना पाएं कि दोनों गाड़ियों का बेसिक प्लेटफॉर्म और बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है। क्या पहचान जाएंगे नहीं पहचान पाएंगे आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में नीचे। लेकिन चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं कि गाड़ी के अंदर चेंजेस क्या क्या हैं, क्या बनाता है इस गाड़ी को ज़्यादा खास, और भूल जाते हैं उस मूवी को रब ने बना दी जोड़ी एक छैनी एक हथौड़ी। ये गाड़ी प्रूफ है इस बात का कि अगर आपको कैप्टन सीट्स चाहिए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े और हमेशा इनोवा लेनी पड़े। ये सीट्स ये वाकई टक्कर देती हैं इनोवा की सीट्स को कंफर्ट के मामले में। सीट्स को आप आगे और पीछे भी कर सकते हैं, कुशनिंग भी बेहतरीन है, सपोर्ट भी अच्छा है बैकरेस्ट के लिए आपके, और जैसा मैंने कहा नी रूम भी अच्छा है। हाँ, इस सीट को आप डिक्लाइन और इंक्लाइन भी कर सकते हैं जैसे कि आप इनोवा में कर सकते हैं। तो जैसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी जस्ट टू बाय कैप्टन सीट्स इन द बैक। बट मैं एक नेगेटिव बात ही बोल देता हूँ गाड़ी के बारे में, इससे पहले कि आप बोलें कि आप हमेशा मारुति की तारीफ करते हैं कि मारुति आपको पैसे देती है या नया मोबाइल खरीद देती है रिव्यू के लिए, वो नेगेटिव बात ये है कि जो शीशा है पीछे का ये सरप्राइजिंगली पूरा नीचे नहीं जाता, ऊपर तो जा रहा है आराम से लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। और ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि अगर आप शिमला गाड़ी लेके जाएंगे और आप कहेंगे नहीं मुझे ऐसी नहीं चलाना है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मुझे बाहर की ताज़ी हवा का आनंद लेना है, तो जब आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आप कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। इनफैक्ट थोड़ी देर के बाद आप बोलेंगे छोड़ यार मैं शीशा ही ऊपर कर देता हूँ। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट दिस विंडो डजंट गो ऑल द वे डाउन। आई थिंक मारुति शुड फिक्स दिस, क्योंकि जैसा कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ आप समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं दूंगा बैक सीट को अच्छे मार्क्स क्योंकि स्पेस के मामले में अच्छी हैं, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और आपको साथ ही साथ मिलते हैं एसी वेंट्स जो देते हैं बहुत ही तेज़ झोंका हवा का। अब चलते हैं बैक सीट में जो लास्ट रो है उसमें, देखते हैं स्पेस कितना है। हाँ जी, हेडरूम हो कम और नीरूम हो तंग तो पीछे वाला बन जाता है मलंग। लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है और वो ये कि आखिरी रो में भी आपके पास हेडरूम भी अच्छा खासा है और नीरूम भी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 5'10" और मैंने ये सीट 5'10" के आदमी के लिए एडजस्ट करी है, यहाँ वाली आगे वाली 5'10" के इंसान के लिए एडजस्ट करी है। ये बिल्कुल बैक पोजिशन पर नहीं है, उससे करीब 2 इंच आगे है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बैक है, अब ये मत कहना कि गाड़ी की सीट आगे रखी थी, अपनी हाइट के हिसाब से ठीक है सीट। और यहाँ पर ही मेरे लिए अच्छी खासी जगह है विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। जो एसी की हवा है वो भी पीछे तक आ रही है, मैंने ब्लोअर को 3 पे कर रखा है और एसी की हवा काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे 2 बेवरेज होल्डर्स और एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है 12 वोल्ट का, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल टच फ्रॉम मारुति। क्योंकि इन सीट्स में ज़्यादातर बच्चे बैठते हैं और बच्चों को भी रखने का सबसे अच्छा तरीका आजकल है उन्हें मोबाइल फ़ोन या कोई टैब दे दो और उस पर दिन भर पेपा पिक देखते रहें या फिर नीड फॉर स्पीड खेलते रहें। खैर मुझे नहीं पता आजकल कौन से गेम्स चल रहे हैं मार्केट में, आप मुझे बताएं नीचे लिखकर कौन से गेम्स अच्छे हैं, लेकिन सीट के मामले में इट इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। हाँ जी, तो हमने देख लिया कि पीछे की सीट्स कितनी अच्छी और कितनी कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं आगे की सीट्स की। इनफैक्ट अगर आपने ऑटो पोर्टल पर मेरा अर्टिगा का रिव्यू देखा है तो उसको दोबारा देख लें और ये सोचना कि गाड़ी सेम है, सिर्फ ब्लैक इंटीरियर कर दिया गया है, आप समझ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं गाड़ी चला के देखते हैं कैसी है। नो एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि गाड़ी में कैसे कैसे फीचर्स और क्या क्या है। अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की तो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्टिगा। इट फील्स मोर पॉश, मोर अपमार्केट और सॉफ्ट मटेरियल सब जगह पर है। ब्लैक डैशबोर्ड का टॉप है, हल्का सा सिल्वर एक्सेंट दे रखा है और बीच में ये मार्बल ग्रेनाइट टाइप की फिनिश दे रखी है। ये एक्चुअली है प्लास्टिक लेकिन गाड़ी का लुक अच्छा बना देती है, पॉश लुक बना देती है, अप मार्केट लुक बनाती है गाड़ी का। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं कंफर्ट के मामले में, सपोर्ट फॉर अंडर थाइज इज़ गुड, सपोर्ट फॉर द लोअर बैक इज़ गुड, एंड ओवरऑल लंबे सफ़र पर आप इन सीट्स में थकेंगे नहीं। जब आप पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पर तो आप उतना ही फ्रेश महसूस करेंगे जितना आप घर से निकले थे उस वक्त महसूस कर रहे थे। अगर बात करें ओवरऑल यूटिलिटी प्लेसेस की, अच्छी गाड़ी उस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा बॉक्स जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, 1 या 2 बेवरेज रख सकते हैं, यहाँ पे 2 कोल्ड कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं और उसके आगे मिलती है आपको ट्रे, साथ ही साथ 2 चार्जिंग पॉइंट, 1 USB चार्जिंग पॉइंट और 1 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। और ओवरऑल स्विच गियर अच्छा है, यहाँ बड़ा स्क्रीन मिलता है टैप डिवाइस टाइप का और आपको यहाँ पे एप्पल का कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है जो कि अब स्टैंडर्ड फीचर आ गया है काफ़ी गाड़ियों में, तो ऐसा कोई यूनिक फीचर इस गाड़ी में ये नहीं है। साथ ही साथ
अगर हम बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो पकड़ने में तो अच्छा है ही, यहाँ पे फ्लैट बॉटम भी है। इसका मतलब कि मारुति कोशिश कर रही है इस गाड़ी को फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देके ये दिखाने की कि स्पोर्टी गाड़ी है। ये गाड़ी है उन लोगों के लिए जो गाड़ी को चलाने का शौक रखते हैं। एक बात जो अच्छी है इस गाड़ी की वो ये कि जो इसके दरवाजे हैं बहुत आगे और पीछे के बहुत वाइड खुलते हैं, एंट्री पॉइंट जो है काफ़ी बड़ा है, तो अंदर आने में और उतरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से टहलते टहलते गाड़ी में बैठ सकते हैं और टहलते टहलते आराम से निकल जाएंगे। आपको झुकना नहीं पड़ेगा, उठना नहीं पड़ेगा, कुछ खींचतानी नहीं करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के साथ। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। XL6 का जो बूट है अगर हम लास्ट रो की सीट को गिरा दें तो 600 लीटर से ऊपर का बूट है। ये बहुत ही इंप्रेसिव बूट है स्पेस के मामले में और कम्प्लीटली फ्लैट लोडिंग एरिया है यहाँ पे सीट्स के साथ। अगर आप देखें तो आराम से आप बड़े बैग्स बड़े बॉक्सेस को अंदर स्लाइड कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। लोडिंग लिप भी नहीं है और गाड़ी ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है, MPV होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ट्रॉली लेके आप जाएंगे एयरपोर्ट पर अपनी सासू माँ को पिक करने, उनका सामान जब रखना होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे उठा के आप आराम से रख सकते हैं, आप ज़्यादा दबी आवाज़ में कुछ बोलेंगे भी नहीं क्योंकि इट्स नाइस एंड स्क्वायर बूट एंड ऑल्सो देयर इज नो लोडिंग लिप। ओवरऑल आई गिव द बूट ऑफ द कार अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9.5/10। लेकिन मान लीजिए आपकी सासू माँ के साथ आपका साला और भी रिश्तेदार चाची ताऊ और दो चार लोग और आ जाते हैं तो आपको सीट उठानी पड़ेंगी। जब सीट उठाएंगे तो यहाँ पर स्पेस तब भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आप ये भी हटा सकते हैं, ये तो मारुति ने इसलिए दे रखा है आपको ताकि आप स्लाइड इन कर सकें आराम से सामान। ये आप हटा देंगे तो यहाँ पर अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको सामान रखने के लिए। 200 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि दो बड़े बैग्स तो आराम से आप यहाँ पे सेटल इन कर लेंगे। अगेन एज आई सेड अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9.5/10 कंसीडरिंग द रिलेटिवली कॉम्पैक्ट डायमेंशंस ऑफ दिस कार। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त XL6 और ये गाड़ी सिर्फ एक इंजन के साथ आती है जो है पेट्रोल, 1.5 पेट्रोल इसमें आता है। जो डीजल इंजन है वो इसमें मौजूद नहीं है। 5-speed gearbox कहते हैं गाड़ी आती है और आपको साथ ही साथ ऑटोमेटिक भी मिलेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मैनुअल की, मैनुअली चला रहे हैं। अगर हम बात करें gearbox की तो gearbox अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इट्स अ नाइस एंड क्रिस्प यूनिट, इट्स अ टिपिकल जापानीज यूनिट, यानी कि सब कुछ इसके अंदर क्रिस्प है, स्पोर्टी है। और इसकी एक और बात जो अच्छी है वो है कि जो सर क्लच है बहुत ही हल्का क्लच है, इट्स अ वेरी ईजी क्लच टू यूज़, विच मीन्स कि आप अगर इस गाड़ी को शहर में लंबा चलाएंगे तो आप थकेंगे ही नहीं। एक और बात जो बहुत अच्छी है वो इसका स्टेयरिंग व्हील, ये बहुत ज़्यादा ना भारी है ना ही बहुत ज़्यादा हल्का है, इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ वेट इन इट, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं थक जाऊँ इस गाड़ी को चला के। या अगर आप हाईवे पर निकलेंगे तो इतना भी हल्का नहीं है कि आपको नर्वस निकले रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गाड़ी स्लो कर लूँ, मुझे पता नहीं चला स्टेयरिंग से क्या फीडबैक आ रहा है टायर्स का, तो इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ वेट अबाउट इटसेल्फ। एक और अगर हम अच्छी बात करें इंजन की तो वो ये है कि काफ़ी रिफाइंड है, लेकिन रिफाइनमेंट के साथ साथ ही एक और बात इसकी अच्छी है वो ये कि ये गाड़ी जब आप भगाएंगे तब भी इसमें से ज़्यादा शोर शराबा नहीं आएगा गाड़ी में अंदर, क्योंकि जो इसकी कैबिन आइसोलेशन है वो काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट आई थिंक अर्टिगा से एक लेवल अप है इसकी कैबिन की आइसोलेशन, इट इज़ एक्चुअली दैट गुड एंड देर इज़ नो विंड नॉइज, देर इज़ हार्डली एनी टायर नॉइज। एक और चीज़ जो XL6 की मुझे अच्छी लगी वो इसका राइड कम्फर्ट। राइड के मामले में अर्टिगा पहले से ही बहुत अच्छी थी और ऐसा लगता है कि मारुति इंजीनियर्स ने और भी ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग करी सस्पेंशन के साथ, और भी ज़्यादा निखारा है सस्पेंशन को, क्योंकि जिसकी सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा मिक्स है हाईवे के ऊपर स्टेबिलिटी के मामले में और शहर में सॉफ्ट सेटअप के मामले में। अगर आप शहर में गाड़ी चलाएंगे तो जो हल्के पुल के गड्ढे होते हैं वो काफ़ी अच्छे से अब्सॉर्ब करेगी सस्पेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईवे पर जब जाएंगे तो आपको गाड़ी लेकर नर्वस लगेगा या आपको लगेगा मैं गाड़ी स्लो कर लूँ धीमी कर लूँ खराब सड़कें देखकर। हाईवे पर भी स्टेबिलिटी और सस्पेंशन और कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आई थिंक दैट दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट MPVs/SUVs इन द मार्केट राइट नाउ फॉर शेयर कम्फर्ट ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स दिस कार्स ओवरऑल कम्फर्ट आर दीज सीट्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट, कुशनिंग इज गुड, सपोर्ट इज गुड एंड दे जस्ट वेरी नाइस सीट्स ओवरऑल। एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी XL6 की वो ये है कि ये गाड़ी बहुत खुली खुली सी है, आपको इसमें बैठ के क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, दबा दबा नहीं लगेगा, घुटन नहीं होगी और इसकी जो विजिबिलिटी ऑल अक्रॉस वो भी बेहतरीन है। ओवरऑल राइड कम्फर्ट के मामले में गाड़ी अच्छी है, स्टेयरिंग व्हील इसका ज़्यादा भारी नहीं है, क्लच और गेयरबॉक्स भी इसके काफ़ी हल्के हैं और इंजन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है, तो ओवरऑल इट्स अ नाइस ओवरऑल पैकेज एंड इट्स अ नाइस कार टू ड्राइव इन द सिटी एंड द हाईवे एंड आई रियली एंजॉय ड्राइविंग।
ओवरऑल XL6 है एक अर्टिगा का पॉलिश्ड सोफिस्टिकेटेड और अप मार्केट वर्जन। अर्टिगा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है MPV सेगमेंट में और ये उस अच्छाई को एक लेवल अप लेके चली जाती है। इनफैक्ट इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ कार व्हिच ऑफर्स यू कैप्टन सीट्स बट डोंट वांट टू स्पेंड दोज 17, 18, 20 lakh rupees on the Innova, then this is a great car for you and you should simply go ahead and take a test drive and book it at a next dealership near you. It's bye for now and hope to see you soon.